तो 14 घंटे का न जाने कौन सा वनवास काटकर हमारी ट्रेन फाइनली आ तो गई, लेकिन इसने हमारे चेहरे पर जो मायूसी लाई थी उसका हर जाना इंडियन रेलवे तो भरने वाली थी नहीं। चेहरे पर मायूसी और पेट में भूख, इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है दुख। भूख और मूड दोनों को सही करने के लिए कुछ हल्का फुल्का खाने तो लग गए, लेकिन हल्का फुल्का खाने से मूड भी हल्का फुल्का ही ठीक होने वाला था, इसलिए हमने इंडियन रेलवे के साफ सुथरे कैंटीन से खाना ऑर्डर कर दिया। लेकिन हमसे ज्यादा भूख तो शायद इस कॉकरोच को लगी थी, जिसने पनीर को देखा और खुशी के मारे डूब कर मर गया। तो थोड़ा सा बवाल करने के बाद ये कॉकरोच पनीर तो किया रिटर्न और डोमिनोज पे भरोसा जताते हुए पिज्जे मंगा लिए। इन्हें खाकर मूड ठीक हुआ तो इस सफर को हम कम सफरिंग बनाने में लग गए। अब 40 घंटे का सफर था जिसमें से 20 घंटे तो नींद निकाल ली, बाकी के 20 घंटे में 20 नए दोस्त बना लिए। सोने से पहले सबके कॉन्टैक्ट नंबर लिए क्योंकि सुबह उठकर शायद इनमें से कई चेहरे वापस देखने भी न मिले। जिंदगी बहुत छोटी है, आप भी नए नए दोस्त बनाओ और सब्सक्राइब कर दो।